होती है कि हमने यूपी से पूरे क्रिमिनल को माफिया को खत्म कर दिया, तो हम योगी आदित्यनाथ से और वो भी कहते हैं कि चुनाव के बाद फिर बुलडोजर शुरू हो जाएंगे। योगी जी ये तो बताइए, ये जो हम पर चार गोलियां चलाए वो किसके घर के दामाद थे? ये किसकी नाजायज औलाद थी? क्या ये गोडसे की औलाद नहीं थी जो हम पर गोली चलाई थी? नहीं थी। फिर ये योगी के मंत्री उनके घर चले गए परिवार के, हमदर्दी जता, और बोले वी लव यू। ये कैसी मोहब्बत है बाबा तुम्हारी? जो गोली चला रहा है उसको संविधान पर भरोसा नहीं है, जो गोली चला रहा है उसको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, जो गोली चला रहा है उसको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है। और क्यों गोली चलाया? इसलिए चलाया कि ओवैसी अपनी जबान से बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो सुन लो गोली चलाने वालों, जब तक जिंदा अल्लाह और परवरदिगार रखेगा हम अपनी जबान को तुम्हारे जुल्म के खिलाफ, मजलूमों के इंसाफ के खिलाफ, इंसाफ के लिए और हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हम बोलते रहेंगे। तुम्हारी गोलियां चलती है चलाओ, हमको मौत से डर नहीं, हमको मरने के बाद जो हिसाब किताब होगा उससे डर है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।